हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकबर और बीरबल की एक और स्टोरी जिसका टाइटल है द फेक लॉयन। फेक यानी कि नकली, लॉयन में शेर यानी कि नकली शेर। तो देखिए, इस कहानी में बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग दी गई हैं और जो भी वर्ड मीनिंग आपको ना आए उसको कॉपी में लिखिए और उसको याद कर लीजिए। जब इस स्टोरी को मैं कंप्लीट करा दूँगा तो उस स्टोरी को स्पेलिंग याद करके फिर से देखिए ताकि आपको जो भी वर्ड मीनिंग है वो सब क्लियर हो जाए। देखिए कहानी, इस कहानी में क्या दिया गया है कि एक फारस का सम्राट होता है, वो सम्राट अकबर को एक नकली शेर भेजता है जो कि पिंजड़े में रहता है और वो बोलता है सम्राट अकबर से कि आप इसको बिना पिंजड़ा खोले बाहर निकालना है इसको। फारस का सम्राट कहता है कि इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालना है, यदि नहीं निकाल पाया तो आपका सारा राज्य हमारे राज्य के अधीन आ जाएगा। तो देखिए, सम्राट अकबर बीरबल की मदद लेते हैं और आगे क्या होता है इस कहानी में देखिए। द एम्परर ऑफ पर्सिया एंड एम्परर अकबर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। द एम्परर, एम्परर मीन सम्राट, ऑफ पर्सिया, पर्सिया मीन्स फारस, फारस देश का, एन एम्परर अकबर यानी कि फारस के सम्राट और सम्राट अकबर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वर मीन्स थे, वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, यानी कि फारस के सम्राट और सम्राट अकबर बहुत अच्छे मित्र थे। दे वुड ऑफन सेंड जोक्स एंड रिडल्स टू ईच अदर। दे यानी कि भी बुड, बिल का पास्ट होता है बुड, ऑफर मीन्स अक्सर, सेंड मीन्स भेजते थे, जोक्स एंड रिडल्स मीन्स पहेलियाँ टू ईच अदर, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे को। देखिए, दो व्यक्तियों के लिए एक दूसरे की स्पेलिंग होती है ईच अदर, और यदि दो से अधिक व्यक्ति हैं और एक दूसरे की स्पेलिंग आए तब वहाँ आती है वन एंड उदर। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, वे अक्सर एक दूसरे को जोक्स और पहेलियाँ भेजते थे। आगे देखिए, इट हेल्प देम टू मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप एज दे एंजॉयड रिसीविंग पार्सल्स फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स यह हेल्प में सहायता करता था, देम मीन्स उनकी, मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना, अ गुड फ्रेंडशिप मीन्स एक अच्छी मित्रता, यह उनको एक अच्छी मित्रता बनाए रखने में सहायता करता था। कौन सी चीज़ कि वो एक दूसरे को जोक्स और रिडल्स, जोक्स और पहेलियाँ भेजते थे, इससे उनकी मित्रता अच्छी बनी हुई थी। एज मीन्स क्योंकि, दे मीन्स वे, एंजॉयड मीन्स होता है आनंद लेना, रिसीविंग मीन्स प्राप्त करना, पार्सल, पार्सल मीन्स पार्सल, फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, तो वे एक दूसरे से पार्सल रिसीव करना, प्राप्त करना एंजॉय करते थे, यानी कि जब भी वो पार्सल रिसीव करते थे तो उसमें कोई ना कोई जोक होता था या पहेली होती थी, इसे वो एंजॉय किया करते थे। आगे देखिए, वन डे अकबर रिसीव्ड अ लार्ज केस फ्रॉम द एम्परर ऑफ पर्सिया विद अ फेक लॉयन इनसाइड एंड अ लेटर। वन डे, एक दिन अकबर ने रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, अ लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, केज मीन्स होता है पिंजड़ा, फ्रॉम द एम्परर सम्राट और पर्सिया मीन्स फारस के, विद मीन्स के साथ, आ फेक, फेक मीन्स नकली, लॉयन मीन्स शेर, इनसाइड मीन्स अंदर, एंड अ लेटर और एक पत्र। तो देखिए इसमें क्या है, एक दिन, वन डे, एक दिन अकबर ने रिसीट प्राप्त किया, अकबर ने एक बड़ा पिंजड़ा प्राप्त किया फ्रॉम द एम्परर ऑफ पर्सिया, फारस के सम्राट से, विद अ फेक लॉयन इनसाइड एंड अ लेटर, यानी कि एक नकली, अंदर एक नकली शेर और एक पत्र। तो अकबर को एक बड़ा पिंजड़ा मिला जिसके अंदर एक नकली शेर था और एक लेटर भी था। अब लेटर में क्या था, द लेटर सेड, पत्र ने, लेट मीस कहा, यानी कि पत्र में लिखा हुआ था, इफ मिस, यदि, इफ देयर बी अ वाइज मैन इन योर कोर्ट ही शुड टेक आउट द लॉयन विदाउट ओपनिंग द केस। देखिए, इफ मिस, यदि देयर
जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट हम देयर बना देते हैं, बी मीन्स होना, वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, मैन मीन्स व्यक्ति या आदमी, इन योर कोर्ट, आपके दरबार में, यदि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान आदमी हो, ही मीन्स वह, शुड टेक, शुड मीन्स चाहिए, टेक मीन्स होता है, टेक आउट मीन्स बाहर निकालना, द लॉयन मीन्स शेर को, वह शेर को बाहर निकाले, विदाउट मीन्स के बिना, ओपनिंग खोले, द केज मीन्स पिंजड़ा, बिना पिंजड़ा खोले। तो देखिए लेटर में क्या लिखा था कि यदि आपके कोर्ट में एक बुद्धिमान आदमी है तो वह शेर को निकाले बिना पिंजड़ा खोले हुए। इफ़ द केज कुड नॉट बी एम्प्टीड, इफ मीन्स यदि, द केज मीन्स पिंजड़ा, कुड नॉट, कुड मीन्स होता है सका सकी, कुड नॉट मीन्स नहीं, नॉट लगा तो नहीं अर्थ आ जाएगा, बी कुड नॉट बी एम्प्टीड, देखिए एम्प्टी मीन्स होता है खाली करना, अब कुड के बाद ये बी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है पैसिव वॉइस में है, तो सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलेगा कि यदि पिंजड़े को खाली नहीं किया जा सका तो क्या होगा, द मुगल टेरिटरीज यानी कि मुगल इलाका या प्रदेश, बोड कम, बोड मीन्स गागी, कम मीन्स होता है आना, अंडर मीन्स के अधीन, द सॉवरेंटी यानी कि राज्य, ऑफ द एम्परर इनकी सम्राट, ऑफ पर्सिया मीन्स फारस की, तो इसका मतलब निकलेगा यहाँ से यदि पिंजड़े को खाली नहीं किया गया तो मुगल प्रदेश फारस के सम्राट के राज्य के अधीन आ जाएगा। तो देखिए क्या शर्त रख दी गई कि यदि इस पिंजड़े को खाली नहीं किया गया तो मुगल राज्य जो है वह फारस के साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। अकबर कास्ट एन एंग्शियस ग्लैंस ओवर ऑल हिज कोर्टियर्स, अकबर ने, कास्ट मीन्स होता फेंकना, मतलब एक प्रकार से नज़र डाली, एन एंग्शियस, एंग्शियस मीन्स होता है उत्सुक, ग्लैंस मीन्स दृष्टि, एक उत्सुक दृष्टि डाली, उत्सुक का मतलब होता है एक ऐसी दृष्टि डाली कि ओवर मीन्स पर, ऑल मीन्स सभी, हिज मीन्स अपने, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, अपने दरबारियों की तरफ, कि मतलब ऐसे देखा जैसे इनमें से किसी को आंसर आता हो, ऐसे पूछते हुए, वन बाय वन, एक एक करके, देन मीन्स तब, सेड मीन्स कहा, तब कहा, आई नो मैं जानता हूँ, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मीन्स तुम में से सब, आर मीन्स हैं, लर्न मीन्स ज्ञानी, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एन एक्सपर्ट यानि कि दक्ष, इन योर फील्ड्स अपने क्षेत्रों में, मैं जानता हूँ कि तुम में से सब अपने क्षेत्र में ज्ञानी बुद्धिमान और दक्ष हैं। कैन एनी वन टेक आउट द लॉयन विदाउट ओपनिंग द केस, कैन मीन सकता है, अब कैन देखिए शुरू में लगा हुआ है, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई हो तो उसका अर्थ क्या निकलता है, एनी वन मीन्स कोई, टेक आउट मीन्स बाहर निकालना, द लॉयन यानी कि शेर को, विदाउट मीन्स के बिना, ओपनिंग मीन्स खोले, तो क्या कोई व्यक्ति पिंजड़े, बिना पिंजड़ा खोले शेर को बाहर निकाल सकता है, और आगे पूछते हैं कैन एनी वन डू इट, कैन मीन्स क्या, एनी वन मीन्स कोई, एक डू मीन्स करना, इट मीन्स यह, क्या यह कोई कर सकता है, अब आगे देखिए, ही अगेन लुक्ड एट हिज कोर्टियर्स, ही मीन्स उन्होंने, अगेन दोबारा, लुक्ड मीन्स देखा, एट मीन्स पर, हिज माने अपने, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है आशापूर्वक, यानी कि उन्होंने दोबारा अपने दरबारियों की तरफ आशापूर्वक देखा, एवरी वन, प्रत्येक, सेट मीन्स बैठे हुए थे, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, इन मीन्स में, देयर मीन्स अपनी, सीट्स मीन्स सीट, तो प्रत्येक अपनी सीट पर जमे हुए बैठे थे, ऑल ऑफ देम उनमें से सब, लुक्ड अमेज्ड, लुक्ड मीन्स देखे, अमेज्ड मीन्स अचंभित, एन इम्प्रेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, उनमें से सभी अचंभित और शर्मिंदा देखे, एज इफ, एज इफ मीन्स होता है मानो कि, इट वॉज बियॉन्ड देयर, बियॉन्ड मीन्स के परे, देयर मीन्स उनके,
आगे देखिए, देखिए ये है लॉयन और ये है बीरबल और ये फारस का दरबारी है जो कि शेर और पिंजड़े को लाया था। देखिए तो इधर से देखिए क्या लिखा हुआ है, मानो कि इट वॉज बियॉन्ड देयर, क्या हो बियॉन्ड मीन्स के परे, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता समझ, तो वो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कि वो उनके समझ से बाहर हो, के परे या के बाहर। दे वर लुकिंग एट ईच अदर, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, लुकिंग मीन्स देख रहे थे, एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ, वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दे डिसअपॉइंटेड द एम्परर, दे मीन्स उन्होंने, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश किया, द एम्परर मीन्स होता सम्राट को, उन्होंने सम्राट को निराश कर दिया। आगे देखिए, दैट डे उस दिन बीरबल वॉज एबसेंट इन द कोर्ट, बीरबल वॉज मीन्स थे एबसेंट अप अनुपस्थित, इन द कोर्ट दरबार में, उस दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। ही वॉज एंगेज्ड, ही मीन्स वह वॉज, अब सेंटेंस देखिए पूरा, ही वॉज एंगेज्ड इन सम ऑफिशियल वर्क इज वेयर, ही मीन्स वह वॉज मीन्स थे, एंगेज्ड मीन्स व्यवस्थित, इन मीन्स में, सम मीन्स कुछ, ऑफिशियल मीन्स होता है आधिकारिक, वर्क मीन्स काम, ईल्स वेयर मीन्स और कहीं, यानी कि किसी दूसरी जगह पर, तो वह है किसी दूसरी जगह पर कुछ आधिकारिक काम में व्यस्त थे। अकबर विस्ट, अकबर ने इच्छा की, बीरबल हैड बीन, बीरबल हैड बीन हो देयर मीन्स वहाँ, इन द कोर्ट दरबार में, एट दैट मोमेंट कि उस क्षण, अकबर ने इच्छा की कि उस समय बीरबल दरबार में हो। ही ऑर्डर्ड, ही मीन्स उन्होंने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज मैसेंजर्स अपने संदेश वाहकों को, टू लुक मीन्स देखने के लिए, फॉर बीरबल, बीरबल को देखने के लिए, यानी कि बीरबल को लाने के लिए। तो अकबर ने, यानी कि उन्होंने अपने संदेश वाहकों को बीरबल को लाने के लिए आदेश दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन रादर रिलैक्स्ड, नेक्स्ट डे अगले दिन अकबर वॉज मीन्स थे सिटिंग मीन्स बैठे हुए, ऑन हिज थ्रोन अपने सिंहासन पर, रादर मीन्स अधिक, रिलैक्स्ड मीन्स आराम से। तो अगले दिन अकबर अपने सिंहासन पर अधिक आराम से बैठे हुए थे। All the seats were occupied by the courtiers. All the seats, सभी सीटें, were means थी, occupied means ग्रहण की हुई, by the courtiers means दरबारियों के द्वारा। तो सभी सीटें दरबारियों के द्वारा ग्रहण की गई थी, मतलब ग्रहण की गई थी मतलब बैठे हुए थे वो उन पर। One means एक, was unoccupied as Birbal hadn't yet arrived. One means एक, मतलब उनमें से एक जो सीट थी वॉज मीन्स थी, अनऑक्यूपाइड मीन्स खाली थी, एक सीट खाली थी, एज मीन्स क्योंकि, बीरबल हैडंट येट अराइव्ड, हैड मीन्स चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, और उसके साथ ये नॉट जुड़ा हुआ है, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैडंट, येट मीन्स अभी तक, अराइव मीन्स आना या आ पहुँचना, क्योंकि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। Then बीरबल entered the court. Then means तब बीरबल, entered means प्रवेश करते हैं, the court means दरबार में, तब बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। He means उन्होंने, bowed means होता है झुके, he means वह, bowed means झुके, and said वह बे झुके और कहा, जहाँ अपन आए, I am here present in your service. I means मैं, am means हूँ, हियर मीन्स यहाँ, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, इन मीन्स मैं, योर मीन्स आपकी, सर्विस मीन्स सेवा में, मैं यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। व्हाट आर द ऑर्डर्स फॉर मी, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, द ऑर्डर्स मीन्स आदेश, फॉर मी मेरे लिए, मेरे लिए क्या आदेश हैं। आगे देखिए, अकबर ब्रीफली टोल्ड हिम the whole matter and handed him the Persian emperor's letter. अकबर ने briefly means संक्षिप्त में, told means बताया, him means उसे, किसको, बीरबल को,
अकबर ने संक्षिप्त में उसे बताया द होल मैटर यानी कि संपूर्ण मामला एंड हैंडेड मिस दिया हिमिस उसे द पर्शियन मिस फारसी एम्परर मिस सम्राट अपोस्ट्रोफियस मिस का लेटर मिस पत्र और उसे फारसी सम्राट का पत्र दिया। बीरबल रीड द लेटर बीरबल ने रीड मिस पढ़ा द लेटर मिस पत्र बीरबल ने पत्र पढ़ा एंड कास्ट मिस होता है फेंकना एंड फेंकना या डालना मतलब एक प्रकार से नज़र फेंकना नज़र डालना एंड आईफुल ग्लैंस मीन्स होता है दृष्टि कास्ट एन आईफुल ग्लैंस पूरे का मतलब हो जाएगा दृष्टि डाली एट द केस मीन्स होता है पिंजड़े पर तो बीरबल ने पिंजड़े पर दृष्टि डाली। बीरबल कॉल्ड अ सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड अ हीटेड आयरन रॉड टू बी ब्रॉड बीरबल ने कॉल्ड मीन्स बुलाया अ सर्वेंट एक नौकर एंड ऑर्डर्ड आदेश दिया अ हीटेड मीन्स गर्म आयरन मिस लोहे की रॉड टू बी मिस लाया जाना ब्रॉट टू बी ब्रॉट ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और एक गर्म लोहे की रॉड को लाने के लिए आदेश दिया। द सर्वेंट इंस्टेंटली ओबेड द सर्वेंट यानी कि नौकर ने इंस्टेंटली मिस तुरंत ओबेड मिस आज्ञा का पालन किया ओबे ओ बी ई वाई ये सेकंड फॉर्म दी है ओबेड ओ बी ई वाई ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना बात मानना आज्ञा का पालन करना ये होता है। तो नौकर ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। बीरबल टच्ड द लॉयन विद द हीटेड आयरन रॉड बीरबल ने टच में छुआ द लॉयन यानी कि शेर को विद मीन्स साथ द हीटेड मीन्स गर्म आयरन मिस लोहे की रॉड मिस रॉड से बीरबल ने शेर को गर्म लोहे की रॉड से टच किया छुआ द लॉयन मेल्टेड स्लाइटली एट दैट प्लेस द लॉयन यानी कि शेर मेल्टेड मिस पिघल गया स्लाइटली मिस थोड़ा सा एट दैट प्लेस यानी कि उस स्थान पर तो शेर उस स्थान पर थोड़ा सा पिघल गया। He continued touching until the whole loin melted. He means उसने continue में जारी रखा touching means छूना उसने छूना जारी रखा until means होता जब तक ना देखिए कैसे अर्थ निकलेगा जब तक the whole loin means पूरा शेर ना पिघले या अर्थ आगे निकलता जब तक डेडेडस ना जब तक पूरा शेर ना पिघले melted means पिघलना। तो बीरबल उस गर्म लोहे की रॉड से शेर को तब तक टच करते रहे जब तक वो पूरा ना पिघल गया। आगे देखिए द पर्शियन कोर्टियर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई बीरबल्स ब्रिलियंस द पर्शियन मिस फारसी कोर्टियस मिस दरबारी वॉज मिस था ग्रेटली मिस बहुत इम्प्रेस्ड मिस प्रभावित हुआ बाई मिस से बीरबल की ब्रिलियंस मीन्स होता है प्रतिभा तो फारसी दरबारी बीरबल की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। अकबर ने पूछा हाउ डिड यू नो दैट हाउ मीन्स कैसे डिड यू तुमने नो मीन्स जाना दैट मीन्स की द लॉयन एंड के शेर वॉज मीन्स था मेड अप ऑफ मीन्स होता है से बना हुआ बैक्स मीन्स मोम तो तुमने कैसे जाना कि शेर मोम का बना हुआ है। हुजूर रिप्लाइड बीरबल हुजूर बीरबल ने रिप्लाई किया इनकी उत्तर दिया अकॉर्डिंग टू द लेटर अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार टू द लेटर मीन्स पत्र के अनुसार द केज वॉज टू बी इम्प्टीड विदाउट ओपनिंग इट पत्र के अनुसार यानी कि पत्र में क्या लिखा था द केज पिंजड़ा वॉज था टू बी एम्प्टीड खाली किया जाना था विदाउट मीन्स के बिना ओपनिंग मीन्स होता है खोले इट मीन्स इसे पत्र के अनुसार इसे बिना खोले खाली किया जाना था। इट सैड इसमें लिखा था इट
यानी कि पत्र के लिए आया है, पत्र का प्रोनाउन इट, निर्जीव वस्तु का प्रोनाउन इट आता है। सेड मींस कहा, इसने कहा, मतलब ये लेटर में लिखा था क्या, नथिंग अबाउट द लॉयन बीइंग केप्ट इंटैक्ट। नथिंग मींस कुछ नहीं, अबाउट मींस बारे में, द लॉयन मींस शेर की, बीइंग केप्ट मींस रखा जाए, इंटैक्ट मींस होता है पूर्ण, मतलब उसमें ये नहीं लिखा था कि लॉयन को इंटैक्ट रखा जाए यानी कि पूर्ण रखा जाए, यानी कि लॉयन सही साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं लिखा था। मतलब ये नहीं लिखा था कि शेर को पूरा निकाला जाए, किसी भी प्रकार से शेर को बाहर निकालना है। आई जस्ट ट्राइड, आई मीस मैंने, जस्ट मीस तुरंत, ट्राइड मीस कोशिश की, किया, एन आइडिया मीस एक तरीका, दैट मीस कि, आई जस्ट ट्राइड एन आइडिया, मैंने तुरंत एक आइडिया लगाया कि दैट इट माइट बी मेड ऑफ वैक्स। इट मीन्स यह माइट बी होना चाहिए, मेड ऑफ मीन्स बना हुआ, वैक्स मीन्स मोम का, कि यह मोम का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि ये मोम का बना हो, ऐसा आइडिया लगाया मैंने। द पर्शियन कोर्टियर रिटर्न टू हिज कंट्री, पर्शियन फारसी कोर्टियर, दरबारी, रिटर्न मीन्स लौट गया, टू हिज कंट्री अपने देश, फारसी दरबारी अपने देश लौट गया, टू टेल मीन्स बताने को, वन मोर स्टोरी एक और स्टोरी, वन मीन्स एक, मोर मीन्स और, स्टोरी मीन्स कहानी, और बीरबल, बीरबल्स, बीरबल की, ब्रिलियंस मीन्स प्रतिभा, तो बीरबल की प्रतिभा की कहानी। तो फारसी दरबारी अपने देश लौट गया, बीरबल की एक और प्रतिभा की कहानी सुनाने के लिए। दोस्तों इस तरीके से अकबर और बीरबल की ये इंटरेस्टिंग कहानी कंप्लीट होती है। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।